भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं से जुड़ा संपूर्ण क्षेत्र ब्रज कहा जाता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको संपूर्ण ब्रज मंडल की यात्रा करा रहे हैं और श्री कृष्ण जी की लीलाओं से जुड़े प्राचीन स्थानों के दर्शन कर रहे हैं। ब्रज यात्रा में हम लगभग 80 एपिसोड बना चुके हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस एपिसोड में हम कामवन की यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो वर्तमान में कामा के नाम से जाना जाता है। यह नंदगांव से लगभग 15 किलोमीटर और बरसाना से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह वही स्थान है जहां श्री कृष्ण जी गाय चराने आते थे। यह स्थान नंदगांव और बरसाना से लगभग समान दूरी पर स्थित है, इसलिए श्री राधा कृष्ण जी अक्सर यहां मिला करते थे। कामवन को आदि वृंदावन भी कहा जाता है। कहते हैं कि मथुरा के पास स्थित वृंदावन की खोज 16वीं शताब्दी में श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन के दौरान हुई थी, लेकिन नंदगांव, बरसाना और कामवन के प्राचीन होने की पुष्टि करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता, क्योंकि इनकी पुष्टि स्वयं श्री गोवर्धन पर्वत और इसके आसपास की पर्वत श्रृंखलाएं करती हैं, जिन पर श्री कृष्ण जी गाय चराते थे। श्री कृष्ण जी ने अपने माता पिता को ब्रज में ही चार धाम की यात्रा करवाने के लिए इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चार धामों का आह्वान किया और इनकी स्थापना की। कामवन की यात्रा में सबसे पहले हम इन्हीं चार धामों के दर्शन करेंगे और इनका इतिहास जानेंगे। सबसे पहले इस एपिसोड में हम चल रहे हैं बद्रीनाथ धाम। यह स्थान कामा यानी कामवन से लगभग 17 किलोमीटर और डीग से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर पर्वतों के बीच स्थित है। यहाँ की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। बद्री धाम मंदिर के बाईं ओर एक कुंड है, जिसे तपोकुंड कहा जाता है, क्योंकि इस स्थान पर एक तपस्वी ने घोर तप किया और साक्षात श्री कृष्ण जी के दर्शन किए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम आ चुके हैं बद्री धाम मंदिर के मुख्य दरवाजे के सामने। तो ये सामने आपको बद्री धाम के दर्शन हो रहे हैं और यहाँ सीधे आपकी तरफ आप एक कुंड देखेंगे, ये है तप्त कुंड। तो तप्त कुंड की जो उद्गम है, इसकी जो कहानी भी बड़ी रोचक है। तो यहाँ बद्री धाम के बारे में जो कथा है, उस कथा से आपको अवगत कराएंगे। यहाँ हम अभी महंत जी से बात करेंगे और अंदर की जो विग्रह हैं उनके आपको विस्तार से दर्शन कराएंगे और इनके बारे में बताएंगे। कि कहते हैं कि ये जो विग्रह हैं स्वयं प्रकट हैं, किसी ने बनाए नहीं है और एक ही शिला में ये विग्रह प्रकट हैं। यहाँ हमेशा एक भंडारे का आयोजन होता रहता है, भंडारे की व्यवस्थाओं को भी आपको बताएंगे। तो मंदिर से संबंधित सभी जानकारियाँ अभी आपको हम अंदर चल के देने वाले हैं। तो पहले आपको मैं बाहर से नज़ारा दिखा देता हूँ, आइए। ये देखिए, ये पूरा एक प्रांगण है मंदिर का, जो सामने का काफ़ी विशाल प्रांगण है। और ये तप्त कुंड है, आपको दर्शन करा देते हैं तप्त कुंड के। ये तप्त कुंड जो बद्री धाम है जो उत्तराखंड में है, तो वहाँ पे भी एक तप्त कुंड है। तो आइए मंदिर के अंदर चलते हैं और दर्शन कराते हैं आपको बद्री धाम के। मंदिर प्रांगण की दीवारें और छत छोटे छोटे कांच के टुकड़ों से सुसज्जित हैं। यहाँ पे आप लोग दो धाम के दर्शन कर रहे हो, बद्री नारायण जी और रामेश्वरम के रामेश्वर जी हैं यहाँ पे। ये जो धाम है स्वयं ठाकुर जी ने अपने माता पिता के लिए लाए। नंद बाबा यशोदा मैया को कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने मन्नत मांगी कि हमें कोई पुत्र हो जाए तो हम तीर्थों में जाएंगे। लेकिन काफ़ी समय बीत गए, जब वृद्धावस्था में आए तब जाके उन्हें ठाकुर जी मिले। और जब ठाकुर जी मिले तो कंस के भेजे गए राक्षस रोज आने लगे, वो फिर तीर्थ में नहीं जा पाए। जब ठाकुर जी कुछ बड़े हुए, कुछ शांति हुई, तो एक दिन तैयारी करने लगे तीर्थों में जाने की। ठाकुर जी ने कहा, कहाँ जाओगे तीर्थ करने, इस उम्र में बड़े कष्ट हैं,
पैदल चलनी पड़े, जंगल है, पहाड़ है, बर्फ है, मत जाओ। ठाकुर जी ने भी अपने माता पिता की परीक्षा लेनी कि देखें क्या ये जाते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन वो दृढ़ संकल्पित थे, बोले हम जाएंगे, जरूर जाएंगे तीर्थों में दर्शन करने के लिए। तब ठाकुर जी ने कहा आप लोग भक्त हो, चाहोगे तो धाम यहीं पे आ जाएंगे। नंद बाबा यशोदा मैया ने कहा अगर हमारे चाहने से धाम यहाँ आ जाए तो और बढ़िया है। ठाकुर जी लिवा के लाए, नंद बाबा यशोदा मैया के साथ साथ ब्रजवासी भी आए, गांव के जितने लोग थे, कहे हम भी तीर्थों के दर्शन यहाँ कर लेंगे। सबको लिवा के लाए और बिठा दिए, बोले आंख बंद करके सब लोग प्रार्थना करो, सब तीर्थों के आवाहन करो यहाँ पे। और ठाकुर जी ने अपने योग माया द्वारा समस्त तीर्थों का आवाहन किया, सबको बुला लिया यहाँ। तीर्थ भी प्रसन्न हो गए कि ठाकुर जी ने ब्रज में हमें भी जगह दी है। सब तीर्थ आए यहाँ, बद्री नारायण रामेश्वर जी आए, गंगोत्री जमुनोत्री, कहीं केदारनाथ, कहीं पशुपतिनाथ, कहीं काशी विश्वनाथ, तीर्थराज प्रयाग, गया कुंड, यहाँ तक कि अयोध्या, लंका के भी जो तीर्थ हैं, जहाँ अशोक वाटिका वगैरह, जहाँ सीता जी रहे, सब तीर्थ आए और ठाकुर जी ने सबको यथास्थान जगह दिया। यहाँ तक कि जो वन पर्वत हैं हिमालय में दिव्य, सामने नर पर्वत हैं, पीछे नारायण पर्वत हैं, सामने तप्त कुंड है, देव सरोवर, गंधमादन पर्वत, चमेली वन, सब कुछ लाए ठाकुर जी। जब नंद बाबा यशोदा मैया और ब्रजवासियों ने आंखें खोली तो उन्हें आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा लाला क्या ये सचमुच के तीर्थ हैं या कोई लीला है? ठाकुर जी ने कहा ये सचमुच के धाम है, आपको दर्शन देने के लिए आए हैं, आप लोग दर्शन करो। सबने गंगा जमुना में खूब डुबकी लगाई और यहाँ तीर्थों में दर्शन किया। नंद बाबा यशोदा मैया बोले अब क्या तीर्थ में नहीं जाना पड़े? ठाकुर जी ने कहा नहीं, जो वहाँ जाते धाम के दर्शन करके जो फल मिलते वो यहाँ दर्शन करने पे मिल जाते हैं, अतः आप लोग यहाँ दर्शन कर लिए, आप लोग की मनोकामना पूर्ण हुई। आने वाले समय में भी जो यात्री यहाँ आएंगे दर्शन करेंगे उन्हें उन्हीं धामों के फल प्राप्त हो जाएंगे, उनमें और इनमें तनिक भी भेद मत समझना, ये वही धाम है। तब से अनवरत ये धाम चल रहे हैं, जितनी मूर्तियां हैं ये रामेश्वर जी हैं, बद्री नारायण हैं, नर भगवान हैं, गणेश जी, पार्वती मैया, स्वयं में प्रकट हैं, ये एक ही शिला में सारी मूर्तियां हैं। आज से 5000 वर्ष पूर्व स्वयं ठाकुर जी ने इन धाम को प्रकट करी, तब से ये धाम के दर्शन सब ब्रजवासी करते हैं, जो यहाँ आते हैं सब दर्शन करते हैं, सबकी मन्नत कामना पूर्ण हो जाती है। सामने रामेश्वर जी के दर्शन हैं। सबसे अद्भुत दर्शन तो ये है कि नंदी के ऊपर भोले बाबा का विग्रह है, जो कि अन्यत्र कहीं दर्शन करने को ना मिलता है। भोले बाबा नंदी के ऊपर ही यहाँ आए थे और ऐसे ही प्रकट हो गए। सबसे बड़ी बात है कि ये मूर्तियां किसी ने बनाई नहीं, स्वयं में प्रकट है ये। और सामने पार्वती मैया के दर्शन कीजिए, ये पार्वती मैया है और ये गणेश जी के दर्शन है। आप आगे चलते हैं, ये नर भगवान है और ये बद्री नारायण जी हैं, नर नारायण। यही जो नर भगवान थे वो महाभारत में अर्जुन बने और बद्री नारायण जी कृष्ण के रूप में आए। और ये उद्धव जी हैं, ये बद्री नारायण जी को भागवत की कथा सुनाते रहते हैं। आगे आइए, यहाँ श्रीनाथ जी के दर्शन हैं और राधे कृष्ण के दर्शन हैं। यहाँ एक ही जगह आने पे सबके दर्शन हो जाते हैं, ऐसा तीर्थ अन्यत्र दर्शन करने को नहीं मिलता। उत्तराखंड के जो धाम है वही धाम है, यहाँ तक कि वन पर्वत कुंड जो है सब कुछ वही है। ठाकुर जी ने अपने माता पिता को दर्शन कराने के लिए धाम को हिला दिए यहाँ पे, वो तो माता पिता को माध्यम बनाया, आने वाले समय में हम लोगों को लाभ मिले, ठाकुर जी ने ऐसे ही धाम लाए।
मंदिर प्रबंधन की तरफ से मंदिर में रोजाना भंडारा चलता रहता है जो लगभग पूरे दिन चलता है, जिसमें आप फ्री में भोजन प्रसादी पा सकते हैं। बद्री नारायण का भंडारा है, 24 घंटा प्रसाद चलता है, कब भी आओ कब भी पाओ। चूल्हे की रोटी मिलेंगी, दाल चावल और खाना फ्री और रहना फ्री, कोई प्रसाद का टैक्स नहीं है। लस्सी सुबह बढ़ती है और बाल वो बढ़ता है 11 बजे तक। बड़ा भंडारा होता है तो पीछे की तरफ है रसोई। अच्छा, उसकी रसोई हाँ है। वो अलग है बड़ी रसोई। चलिए आपको बड़ी रसोई के भी दर्शन कराते हैं, किस तरह से प्रोग्राम चल रहा है। ओके, तो ये परिक्रमा स्थल है मंदिर के चारों तरफ। यहाँ ये देखिए भंडारा चल रहा है और यहाँ प्रसादी चल रही है। देखिए किस तरह से यहाँ भक्तगण प्रसादी पा रहे हैं और बिल्कुल बगल में ही यहाँ भंडारा चल रहा है और ये है रसोई भंडार। तो यहाँ एक विशाल भंडारे का आयोजन प्रतिदिन चलता ही रहता है हमेशा। आप कभी भी आइए, आपका स्वागत है यहाँ पर। मंदिर में धर्मशालाएं बनी हुई हैं जिनमें आप विश्राम कर सकते हैं और ठहर भी सकते हैं। ब्रज के चार धामों में से श्री बद्रीनाथ धाम का यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों व परिवार के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको संपूर्ण ब्रज धाम की यात्रा करा रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल इंडियन रील्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाइए। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। अभी हम चल रहे हैं गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन करने, जिसे आप अगले एपिसोड में देखने वाले हैं। तो मिलते हैं ब्रज यात्रा के अगले एपिसोड में। जय श्री राधे कृष्णा।